हाय गाइस, दिस इज तुषार। और गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट आर बैकलिंक्स, बैकलिंक्स क्या होते हैं, उनके फायदे क्या क्या होते हैं और गाइस उन्हें बनाते कैसे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस प्लीज उस रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहला सवाल उठता है, व्हाट आर बैकलिंक्स, बैकलिंक्स क्या होते हैं। तो बैकलिंक्स आपको एक दूसरी साइट से मिलते हैं, यानी दूसरी साइट से मिलने वाले लिंक बैकलिंक कहलाते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि गाइस इस आर्टिकल में आपको ये लिंक दिख रहा है, ये एक बैकलिंक है जो कि मेरी साइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये मेरी साइट पर चला जाएगा। तो गाइस ये एक बैकलिंक हुआ। तो गाइस अब सवाल उठता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बैकलिंक्स, बैकलिंक्स बनाने से हमारी साइट को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला फायदा, अगर आपकी साइट को किसी हाई क्वालिटी साइट से बैकलिंक मिला है तो आपकी साइट की वैल्यू गूगल की नज़रों में बहुत ऊंची हो जाएगी। और गूगल की नज़रों में अगर आपकी साइट की वैल्यू ऊंची हो गई तो साइट की रैंकिंग्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी, टॉप पर पहुंच जाएंगी। तो गाइस एक इसका फायदा ये है। सेकेंड फायदा गाइस ये है कि आपकी साइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो बढ़ती चली जाएगी अगर आपकी साइट को ऐसे ही हाई क्वालिटी साइट से बैकलिंक्स मिलने लग गए तो। और गाइस कोशिश कीजिए कि आपकी साइट को जो मैक्सिमम बैकलिंक्स मिल रहे हैं वो डू फॉलो ही हो। और गाइस तीसरा एडवांटेज, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरी साइट का लिंक एक आर्टिकल के बीच में आया जो कि एक हाई क्वालिटी साइट का है जिसका ट्रैफिक ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है। तो गाइस जैसे ही उस साइट पर कोई भी आएगा तो कोई ना कोई उस लिंक पर तो क्लिक करेगा ही, तो धीरे 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 करके वहाँ से भी मेरी साइट को ट्रैफिक मिलने लग जाएगा। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा फायदा है, तीसरा बड़ा फायदा बैकलिंक्स बनाने का। एंड गाइस अब हम डिस्कस करेंगे कि बैकलिंक्स को क्रिएट कैसे करते हैं। तो गाइस बैकलिंक्स क्रिएट करने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। पर मेरी नज़र में मैंने जितनी भी बैकलिंक्स आज तक बनाए हैं तो मैं उसके बेसिस पर आपको कुछ पांच तरीके बताऊंगा जिनसे आप बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला तरीका है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट होती क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। गेस्ट पोस्ट गाइस एक पोस्ट होती है जो हम किसी दूसरे की साइट पर पब्लिश करते हैं, एक आर्टिकल या एक पोस्ट जो हम दूसरे की साइट पर पब्लिश करते हैं। उस आर्टिकल या उस पोस्ट में हम अपना एक लिंक दे देते हैं। तो गाइस और जैसे ही उस साइट का ओनर उस आर्टिकल को उस पर पब्लिश करता है अपनी साइट पे, तो गाइस हमें वहां से एक बैकलिंक मिल जाता है। तो गाइस ये गेस्ट पोस्ट होती है। तो गाइस अब सवाल उठता है कि हाउ टू फाइंड गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, हम उन साइट्स को कैसे फाइंड करें जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं। तो गाइस उसके लिए कुछ सर्च टर्म्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाई हैं, आप इनको यूज करके जैसे ही आप इनको गूगल पे पेस्ट करेंगे तो आपको गेस्ट पोस्टिंग साइट मिल जाएगी। तो ठीक है, इसमें आपको नीश वाले कॉलम में अपनी साइट का नीश डालना है और गाइस बाकी पूरे को एज इट इज रहने देना है। तो जैसे ही आप गाइस सर्च टर्म को गूगल में डालेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपके पास ऐसी बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी जो कि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती होंगी। तो गाइस उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक साइट है, इसका ये पेज है राइट फॉर अस, मतलब हम गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो गाइस इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें आप पढ़ के इनके लिए एक आर्टिकल लिख के इनको सेंड कर सकते हैं। तो गाइस ये आपकी गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे गाइस इस साइट के ओनर ने आपकी पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी साइट पर पब्लिश कर दिया तो वहां से आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। और जैसे गाइस आपको एक बैकलिंक मिला तो आपकी अथॉरिटी धीरे धीरे करके बढ़नी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये था पहला तरीका गेस्ट पोस्ट। अब दूसरा तरीका है गाइस स्पॉन्सर्ड पोस्ट। ये जो गाइस पहला तरीका था इसमें हम अपना आर्टिकल फ्री में पब्लिश करा रहे थे दूसरी साइट पर, लेकिन ये जो दूसरा तरीका है स्पॉन्सर्ड पोस्ट, इसमें हमें सामने वाली साइट के ओनर को पैसे देने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ अमाउंट में या कम या ज्यादा, जो भी हो वो आपको डिसाइड करना है उससे बात करके, से जो भी साइट का ओनर है। तो गाइस वो कैसे बात करनी है मैं आपको आगे बताऊंगा। और गाइस अगर आप बिगनर हैं ब्लॉगिंग में और गाइस अभी आप एक रुपया भी अगर नहीं कमा रहे हैं ब्लॉगिंग से, तो गाइस आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट की तरफ मत जाइए, आप सिर्फ गेस्ट पोस्ट की तरफ जाइए। तो गाइस अब हम तीसरे तरीके की तरफ देख लेते हैं बैकलिंक्स बनाने का। जो तीसरा तरीका है वो है कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस, मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करोगे, उसके बैकलिंक्स को देखोगे, मतलब उसकी साइट को कहाँ कहाँ से कितने कितने बैकलिंक्स मिले हैं उनको देखोगे और उन साइट्स पर जाओगे और अपने लिए बैकलिंक्स बना लोगे। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। गाइस मान लो कि मुझे रैंक करना है एक कीवर्ड पर बेस्ट एयर प्योरीफायर्स इन इंडिया।
तो गाइस मैंने इस कीवर्ड को गूगल पे प्लेस करा, सर्च करा, जो भी मेरे कॉम्पिटिटर्स आए हैं टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स को अपन लेंगे। तो पहले सबसे पहले पहले वाले की साइट पे चलते हैं। तो गाइस जैसे ही हम इसकी साइट पे गए, इसकी साइट का यूआरएल कॉपी करेंगे ऊपर से, एंड देन गाइस हम उसको एसईओ रिव्यू टूल्स के वैल्यूएबल बैकलिंक चेकर में प्लेस कर देंगे एंड गाइस सर्च कर देंगे, एंड देन गाइस इसके सारे बैकलिंक्स हमारे सामने आ जाएंगे। जितने भी फॉलो हैं, नो फॉलो हैं, सब अलग अलग मेंशन्ड है। तो गाइस हम सिर्फ कोशिश करेंगे, जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम फॉलो की तरफ ही ध्यान दें, डू फॉलो की तरफ, नो फॉलो की तरफ हमें शुरुआत में ध्यान नहीं देना। तो इसलिए हम फॉलो जहाँ जहाँ से भी इसको डू फॉलो बैकलिंक मिले हैं वहाँ वहाँ जाकर अपने लिए डू फॉलो बैकलिंक्स बना लेंगे। तो गाइस ये तो तरीका हो गया कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। गाइस चौथा तरीका है लिंक एक्सचेंज मेथड। इसमें आपके कॉम्पिटिटर को जहाँ जहाँ से भी बैकलिंक मिले हैं, आप उन साइट्स को ईमेल के थ्रू अप्रोच करते हो कि आप हमारी साइट के साथ लिंक एक्सचेंज कर लो। मतलब आप हमारी साइट को लिंक दे दो अपनी साइट पे और हम आपकी साइट को अपनी साइट पे लिंक दे देंगे। तो गाइस ये तरीका भी बहुत अच्छा है लिंक बिल्डिंग के लिए, मगर गाइस मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि लिंक एक्सचेंजेस के लिए लोग तभी मांगते हैं जब उन्हें किसी हाई क्वालिटी साइट से लिंक मिल रहा हो, यानी आपकी जो साइट है वो हाई क्वालिटी साइट हो, तभी वो आपको लिंक एक्सचेंज के लिए हाँ बोलेंगे। गाइस आप इस ईमेल स्क्रिप्ट को यूज़ करके सामने वाली साइट को लिंक एक्सचेंज के लिए अप्रोच कर सकते हैं, एंड गाइस कोशिश करें कि उसको फॉलोअप्स भेजें। ऐसा नहीं कि आपने एक ही ईमेल भेजा, उसको फॉलोअप्स भेजते रहें, मतलब उनको बार बार ईमेल भेजते रहें ताकि हो सकता है वो मान जाए। और गाइस पांचवा तरीका है कमेंट बैकलिंक। कमेंट बैकलिंक लोग तो कहते हैं कि आज की तारीख में वर्क नहीं करते, पर मेरा मानना है कि ये वर्क करते हैं। अगर आपकी साइट को किसी हाई क्वालिटी साइट से डू फॉलो बैकलिंक मिल जाता है कमेंट के रूप में तो बुरा नहीं है गाइस। कभी कभी ये बैकलिंक्स बहुत असरदार होते हैं, तो इसलिए कमेंट बैकलिंक्स कभी कभी बनाने चाहिए। गाइस इन सभी मेथड में एक चीज कॉमन है, जब भी आप किसी भी साइट से लिंक कर रहे हैं अपनी साइट को, तो गाइस उसका स्पैम स्कोर जरूर चेक करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस इसे प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और गाइस उस रेड सब्सक्राइब बटन को प्लीज दबा दें और फिर बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।